Hi everyone, welcome to Current Crunch. So let's start our chapter number seven today, which is politics and society. But before we proceed further, as I always say, do share, like and subscribe to my channel. Uh, comment section में बताएं अगर आपको कोई भी issue आ रहा है videos में आप कोई भी question पूछना चाहते हैं या आप मुझे mail भी कर सकते हैं Current Crunch 411 411 at gmail.com ठीक है तो आप मुझे मेल करके बताएं अगर कोई भी इश्यू आ रहा है आपको पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी देखो सोशोलॉजी में हमें पॉलिटिक्स पढ़ना होता है ये एक एसेंशियल कॉम्पोनेंट है पॉलिटिक्स सोसाइटी का फाइन तो सोशोलॉजी के इंटरेस्ट के बात है इसके आप अगर बेसिक एग्जाम्पल समझना चाहो देखो कोई भी अगर लॉ होता है सोसाइटी के रिलेटेड चाहे वो मैरिटल लॉ है रिलीजियस लॉ है कोई भी है या जेंडर बेस एलिजीबिली क्यू के लिए कोई लॉ लेके आए हैं तो ये लॉज कौन लाएगा ये आपकी गवर्नमेंट लाएगी जो आपका पॉलिटी का कॉम्पोनेंट है पॉलिटिक्स का कॉम्पोनेंट है लेकिन ये इम्पैक्ट किस पे कर रहा है आपकी सोसाइटी पे तो इस वजह से ये इसके इंटरेस्ट में आता है सोशोलॉजिस्ट के इंटरेस्ट में आता है ये देखना कि आपका जो पॉलिटिकल सेटअप है सोसाइटी का वो कैसा है और वो मासिस पे क्या इंपैक्ट डाल रहा है तो सोशलॉजिकल स्टडी और पॉलिटिकल लाइफ अगर हम देखें इसमें स्टडी ऑफ फेरियस सोशल रिलेशन आते हैं पावर रिलेशन के साथ आप जो पावरफुल लोग हैं या पावरफुल पोस्ट है उनके साथ कैसा रिलेशन है बाकी लोगों का एंड सोशल ग्रुप्स कौन से इन्वॉल्व हैं पॉलिटिकल एक्टिविटीज में बेसिक सी बातें कौन से सोशल ग्रुप्स होते हैं जैसे आपके लीडर्स हो गए या आपके मासज हैं फाइन या आपके इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं प्रेशर ग्रुप्स हैं एटसेट्रा एटसेट्रा ठीक है तो जो भी लोग इन्वॉल्व हैं इस चीज में और जिनका इम्पैक्ट जिन पे इस चीज का इम्पैक्ट पड़ता है वो सारा हमारा वो सोशोलॉजिस्ट का एरिया ऑफ कंसर्न होता है तो इसके रिगार्डिंग हमने कुछ थिंकर्स को भी डिस्कस किया था मार्क्स ने क्या कहा था आपको कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म की बात की थी ठीक है तो ये भी एक काइंड ऑफ पॉलिटिकल सेटअप की उन्होंने बात की थी कि सोसाइटी में कैसे आगे करके क्या पॉलिटिक्स जो है वो क्या रोल लेने वाली है और हमारे पास कौन सी टाइप ऑफ गवर्नमेंट जो है वो आएगी वेबर ने ब्यूरोक्रेसी की बात की थी ये भी क्या करता है अथॉरिटी स्ट्रक्चर को डिस्कस करता है सोसाइटी में तो वो भी आपका रिलेटेड है आपके पावर एंड अथॉरिटी से दैट मीन्स आपके अगेन आपके पॉलिटिक्स से जो हमें यहाँ पे डिस्कस करना है पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी देखो टी बी बोटोमोर ने कहा था जो पोलिटिकल इंस्टीट्यूशन देर प्राइमरी कंसर्न विदिजन ऑफ पावर इन द सोसाइटी बाकी देखते हैं पॉलिटिकल सिस्टम्स हैव ओवर द इयर्स फ्रॉम कम्युनल ग्रुप्स टू सिटी स्टेट्स एंड फ्रॉम मेडिवल फ्यूडल स्टेट्स टू मॉडर्न नेशन स्टेट्स अब देखो पॉलिटिक्स दो इन इट्स सेंट्री फॉर्म पूरा एक कंक्रीट शेप में नहीं लेकिन कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता था एक पॉलिटिकल सेटअप कम्युनल ग्रुप से एंशियंट फिर एंशियट से मेडिवल में कुछ चेंजेस आई और मेडिवल से आज का हमारा मॉडर्न नेशन स्टेट्स अब आप सोचो प्रिमेटिव में क्या कैसे पावर एग्जिस्ट करता था मैंने आपको कहा जो अर्लियर सोसाइटीज थी वहां पहले क्या होता था पहले ऑल दो इक्वालिटी थी लेकिन जैसे जैसे कुछ लोगों ने मास्टरी की ओवर द टूल्स मास्टरी ओवर सम टूल्स जो उनको रिक्वायर होते थे वो हंटिंग एंड गैदरिंग प्रोसेस में तो उनके पास क्या आ गया वो जो एक ग्रुप था वो पावरफुल हो गया बाकी ग्रुप से फाइन तो ऐसे क्या हो गया आपका एक काइंड ऑफ आप बोल सकते हो एक पावरफुल ग्रुप्स जो है वो बनना शुरू हो गए तो जो बेसिकली आपका पॉलिटिकल सिस्टम है पॉलिटिक्स है फिर यहीं से चीज़ें जो है आहिस्ता आहिस्ता एड ऑन होती गई एड ऑन होती गई और एक कंक्रीट शेप लेती गई अब हमें इसमें क्या करना है हमें डिस्कस करनी है कोई इंपॉर्टेंट पावर थियोरीज ये सोशोलॉजिकल थियोरीज ऑफ पावर आप इनको बोलते हैं पावर एलिट वो हम देखेंगे अभी पावर जो है इट इज द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल और ग्रुप्स टू कैरी आउट देयर ओन विल इवन व्हेन अपोज्ड बाय अदर्स फाइन अगर मेरे पास कोई पावर है अगर कोई अपोज़ भी करेगा बट मेरे में उतनी कैपेसिटी होनी चाहिए टू कैरी आउट माई ओन विल वो होता है मेरा पावर अगर आप टीचर क्लास में आते बेसिक एग्जाम्पल देती हूँ स्टूडेंट्स चाहते हैं कि वो आज नहीं पढ़ाए लेकिन टीचर के पास पावर है अगर उसकी मर्जी हो दो कि वो ये नहीं सोचेगी स्टूडेंट्स क्या सोच रहे हैं उनको अपोज़ करेगी और पढ़ाएगी क्योंकि उसके पास तो पावर है वैसे ही एक सिंपल सी एग्जाम्पल को आप बड़े स्केल पे ले सकते हो हर ऑर्गेनाइजेशन में यूज कर सकते हो सिंपल सी बात है ये कैपेबिलिटी या ये एबिलिटी और कैपेसिटी है टू कंट्रोल अदर्स एंड इट में रिजाइड इन एन इंडिविजुअल स्टेटस और पोजिशन ठीक है इन रिलेशन टू द स्टेटस एंड द पोजिशन ऑफ अदर इंडिविजुअल्स ये बेसिकली पावर किस में होते है आपकी स्टेटस या पोजिशन में अगेन हम टीचर की एग्जाम्पल दें वही टीचर अगर आपको मार्केट में मिलेगी कहीं पे किसी मॉल में मिलेगी तो वहां पे वो आपको नहीं पढ़ा सकती है क्योंकि वहां पे उनके वो स्टेटस और पोजिशन नहीं है जो स्कूल के अंदर है ठीक है तो ये बेसिकली पावर कहाँ से आता है आपकी पोजिशन से आता है वेबर ने कहा था चांस ऑफ मैन टू रियलाइज देयर ओन विल ए कम्युनल एक्शन में ग्रुप इन ए ग्रुप एक्शन इवन अगेंस्ट द विल ऑफ अदर्स आर पार्टिसिपेटिंग इन सोशल एक्शन ठीक है बिल्कुल बेसिक सिंपल लैंग्वेज है इस डेफिनेशन की पावर आपका कोर्स भी हो सकता है, भी हो सकता है. होता है आप जबरदस्ती किसी पे अपना पावर जो है वो दिखाओ एंड अथॉरिटी क्या होता है आपका लेजिटिमेट पावर लेजिटिमेट पावर ये हमने डिस्कस किए हैं ये सारी चीजें जो वेबर है वो कहते थे पावर जो है इट इज अंस्टेंट सम गेम ठीक है उन्होंने पावर को बोला था कॉन्स्टेंट सम गेम वो जो फंक्शनलिस्ट है वो पावर को क्या बोलते हैं वो कहते हैं वेरिएबल सम पावर बोलते हैं इसको अब वेबर ने क्या कहा कॉन्स्टेंट सम गेम उसका क्या मतलब हुआ जो ओवरऑल आपका पावर है वो कॉन्स्टेंट रहता है मीन्स अगर मेरे पास पावर है अगर मैं टीचर हूँ मेरे पास पावर है आई हैव दिस पावर एट द एक्सपेंस ऑफ अदर्स दैट अदर्स हैं इन दिस केस स्टूडेंट उनके पास पावर नहीं है इसको कॉन्स्टेंट गेम या जीरो सम पावर भी बोला जाता है कि एट अ टाइम किसी एक एंटिटी के पास पावर है एंड अगर मेरे पास पावर है इट इज बिकॉज इट इज एट द एक्सपेंस ऑफ अदर्स वो पावर मैं आप पे कोर्स कर रही हूँ यहाँ पे पुट कर रही हूँ आपके पास वो पावर नहीं है वो मैंने आपसे लिया है या अगर वाइसी वर्सा सिचुएशन में देखेंगे आपके पास वो पावर होगा वो पावर होगा एट द एक्सपेंस ऑफ अदर इंडिविजुअल दूसरे इंसान के पास वो पावर नहीं होगा अगर हम ब्यूरोक्रेट्स की एग्जाम्पल ब्यूरोक्रेट्स के पास एक पावर है दैट एट द एक्सपेंस ऑफ द मासस क्योंकि पब्लिक के पास वो पावर नहीं है तो ओवरऑल जो पावर है इसको आप जीरो या कॉन्स्टेंट बोलते हो ये कांस्टेंट रहता है सोसाइटी में किसी टाइम पे किसी एक के पास होता है फंक्शनलिस्ट ने कहा वेरिएबल सम गेम ये ऑल दो ये भी कहते हैं कि पावर जो है वो कुछ लोगों के पास ही होता है लेकिन ये कांस्टेंट और जीरो सम गेम वाली बात को रिजेक्ट करते हैं और कहते हैं जो पावर है बेसिकली कलेक्टिव वेल और कलेक्टिव गुड के लिए होता है हायर द बींग मोर इज द पावर पार्सन रिगार्ड पावर डिफरेंशियल एज नेसेसरी फॉर द इफेक्टिव ऑफ गोल्स ऑफ द सोसाइटी ठीक है पार्सन में हमने पढ़ा था जैसे उन्होंने कहा था कि पावर डिफरेंशियल जो है मतलब अलग अलग लोगों के पास अलग टाइप का पावर होना ये इंपॉर्टेंट है गोल्स अचीव करने के लिए ये आप इनके स्टार्टिफिकेशन वाला जो आइडियोलॉजी है उसे रिलेट कर सकते हैं अथॉरिटी जो इट इज दैट फॉर्म ऑफ पावर विच इज एक्सेप्टेड एस लेजिटिमेट ठीक है यहाँ पे माइकल मैन ने पावर पे कुछ अलग अलग पावर के कुछ टाइप्स दिए हैं वो आप देख लेना ईजी है जस्ट गो थ्रू दिस मंथ ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस सोर्सेज ऑफ पावर जो क्लासिफिकेशन है पावर की इट कैन बी पर्सनल पावर नॉलेज पावर प्रेस्टीज पावर इमोशनल पावर कम्युनिटी पावर पावर ऑफ अलीट क्लास पावर ऑर्गेनाइजेशनल पावर एक्सेट्रा ठीक है किस बेसिस पे आप दूसरे को पावरफुल बोल रहे हो या किस बेसिस पे उनके पास पावर है उसके अकॉर्डिंग काफी सारे जो है आपको टाइप्स वो मिल जाएंगे अब क्लासिकल थियोर क्या है पावर के वेबर ने क्या कहा था इट इज अ सम गेम दैट इज पावर इन अस्टम इज अ अन्स्टेंट एंड हेंस इट इज लिमिटेड इन क्वांटम ये कॉन्स्टेंट है तो ये लिमिटेड होगा दैट मीन्स अनलिमिटेड पावर नहीं होगा एक के पास है दूसरे के पास नहीं है ये वेबर ने कहा था फंक्शनलिस्ट कहते हैं वेरिएबल सम गेम पावर को दे आर्ग दैट अ कलेक्टिव वेलफेयर इंक्रीजेस इन सोसाइटी अमाउंट ऑफ पावर हेल्ड बाई द सोसाइटो इनक्रीजेस ठीक है पर्सन ने कहा था इट इज वेरी सिंस इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर सोसाइटी एक्सरसाइज करना पावर बाई इट से तो कुछ सोशल पोजिशंस क्रिएट होती हैं जो फंक्शनली मोर इम्पोर्टेंट है एंड पावर इज एक्सरसाइज थ्रू दैम सिंपल मार्क्सिस मार्क्सिस ने क्या कहा था सी पावर नॉट इन द फॉर्म ऑफ अथॉरिटी विद लेजिटमेसी बट इन द फॉर्म ऑफ कोर्शन ऑफ हैव्स और हैव नॉट्स ठीक है क्योंकि जो हैवस हैं वो ज़्यादा इकनॉमिकली स्टेबल हैं और उनके हैंड में सारा इकनॉमिक पावर है तो इस वजह से पाव बेसिकली पावर को क्या बोलते हैं वो वो चीज़ है जो एक्सरसाइज have करते हैं वही उसको उन्होंने पावर बोला था तो अपने पावर को भी तो पावर को भी उन्होंने have और have के ही बात उसकी की थी तो मार्क्स की आइडियोलॉजी बेसिकली समझना सिंपल है उन्हें हर जगह हैव और है इंटरेस्ट ऑफ हैव जो है वो कॉन्फ्लिक्ट में होते हैं विद दो दट इज अव नॉट्स मार्क्स इन परसपेक्टिव के अकॉर्डिंग सोर्स ऑफ पावर जो है वो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसके पास उसमें उसका जितना होल्ड है वो उतना पावरफुल होगा एलिट थियरीज जो है आदर फॉर्मोस थियरीज ऑफ पावर जो हमें यहाँ पढ़नी है ब्रॉडली वो दो कैटेगरीज में है क्लासिकल एलीट थियरीज एंड प्लूरलिस्टिक एलीट थियरीज वो हम देखेंगे और भी कुछ बेस ऑफ पावर है फाइव बेस ऑफ पावर वो फ्रेंच एंड रेवन ने दिए थे लेजिटिमेट पावर रेफरेंट पावर एक्सपर्ट पावर रिवॉर्ड पावर एंड कोर्स पावर ठीक है

फाइन नॉलेज इकोनमी में काफी ज्यादा ये वैल्यू किया जाता है जैसे आपके साइंटिस्ट या रिसर्च जो कर रहे होते हैं आर डिपार्टमेंट के जो उनके पास है। होता है रेफरेंट पावर होता है इंसान के अपने एट्रीब्यूट्स की वजह से जो है इस वजह से वो लोगों को पसंद आना शुरू होते हैं जैसे करजमा इन वेबर्स लैंग्वेज करज्मेटिक अथॉरिटी की जो बात उन्होंने की थी वो आपका यहाँ पे रेफरेंट पावर है जैसे आपके फ्रीडम फाइटर्स या फेमस पर्सनैलिटीज के पास होता है ठीक और पावर होता है That, uh, वो उस बिलीफ से आता है कि एक पर्सन पनिश कर सकता है दूसरे को फॉर डी नॉन कम्पलायस जो आपके पुलिस के पास होता है ठीक है वो कोर्स पावर आप पे एग्जर्ट कर सकते हैं उनकी मर्जी वो आप आपने कुछ भी किया तो वो आपको पनिश कर सकते हैं आपको अरेस्ट करके ले जाते हैं ये हो गया फ्रेंच एंड रेबिन के टाइप्स आगे देखते हैं कुछ थिंकर्स ने रिसेंटली आई हैव ट्राई टू पुट फॉरवर्ड सम इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव्स इन पावर जैसे जीन जिन्शाह ने कहा था कि जो पावर है वो बेसिकली किस पे डिपेंड करता है वो रिलाई करता है ओबीडियंस ऑफ देयर सब्जेक्ट्स पे कि अगर लोग आपको पावरफुल ही ना माने और आपको uh, मतलब आपको uh, ओबे ना करें इफ़ दे रिफ्यूज़ टू ओबे यू लीडर के पास कोई पावर नहीं रह जाएगा इसके एग्जाम्पल आप ऐसे ले सकते हो अगर मासिस जो है किसी एक पर्टिकुलर लीडर को वोट करना बंद कर दें तो उसके पास कोई पावर नहीं रह जाएगी तो ये फ्रेश परस्पेक्टिव हैं थोड़े पावर पे जो uh, आप यूज़

फाइन अब हम चलते हैं हमारी थियरीज की तरफ क्लासिक एलियम काफी सिंपल है समझने के लिए पहले मैं आपको समझाती हूँ उसके बाद हम बुक रेफर करेंगे देखो उन्होंने ये एक, ये एक बनाया हुआ है है पिरामिड तो जो अपर में आते हैं वो कौन से है आपकी रूलिंग माइनॉरिटी मतलब जो रूल करते हैं वो माइनॉरिटी में है इससे ये बात क्लियर हो गई और रूल्ड मासेस और वो मासेस कौन कौन से है? जिन पे आप रूल कर रहे हो आपकी बाकी जो पब्लिक है आपकी जनता इनका ये मानना था जो रूलिंग माइनॉरिटी में आते हैं ये अपनी पर्सनल उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं पर्सनल फीचर्स आप बोलो ये पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी वजह से वो रूल करते हैं ठीक है दैट मीन्स उनके खुद के कैरेक्टर में ऐसी चीजें होती हैं जो रूल करने के लिए इंपॉर्टेंट है और उसी वजह से वो क्या कर रहे हैं और रूल कर रहे हैं और वो माइनॉरिटी में आते हैं ठीक है उनने क्या कहा था इनके बीच में क्या हो रहा है एक सर्कुलेशन ऑफ एलिट्स हो रहा है सर्कुलेशन ऑफ एलिट्स तो बात शुरू कहां से होती है बेसिकली जो आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए रूल करने के लिए ठीक है तो ये आप लाइन उनने दो कैटेगरी हमें दी थी या आप लाइन के कैटेगरी में हो या फॉक्सिस की के कैटेगरी में हो लाइन से आप क्या एसोसिएट करते पावर, हो पावर ठीक है जो स्ट्रांग होगा और फॉक्सिस में फॉक्स को हम क्या बोलते हैं चालाक लोमड़ी ठीक है चालाक उसको बोलते हैं तो क्लेवर कनिंगनेस कनिंगनेस उन्होंने कहा था एट ए टाइम क्या होता है एक ही रूल करता है इंपॉर्टेंट चाहिए रूल करने के लिए के क्या है पावर है स्ट्रॉन्ग होते हैं तो लाइन क्या करते हैं ये फॉक्स में से कुछ लोगों को अपॉइंट करते हैं कुछ फॉक्सिस को ताकि रूल कर पाए आराम से लायंस ने क्या किया इन्होंने कुछ फॉक्स को अपॉइंट किया फॉक्सिस को अपॉइंट किया ताकि ये हेल्प करें इनके रूल में उसके बाद जब लायंस के पास पावर इतना बढ़ जाता है कुछ टाइम के बाद ये थोड़े लेजी कम्पलिसेंट हो जाते हैं कि ज्यादा ये एक्टिव नहीं रहते ठीक है जैसे ऐसा होता है ना एक पार्टी एक पोलिटिकल पार्टी बहुत सालों से रूल कर रही है तो वो थोड़ी कंप्लिसेंट हो जाती है वो फिर ध्यान देना बंद कर देती है तो ऐसे में जो फॉक्सेस हैं जो कनिंग फॉक्स हैं जिनको लायंस ने अपॉइंट किया था अपनी हेल्प के लिए वो आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रॉन्ग बनते जाते हैं दे ग्रो स्ट्रॉन्गर विद टाइम और अल्टीमेटली वो क्या करते हैं दे ओवरथ्रो लायंस लाइन को ओवर थ्रो कर देते हैं और अब किसका आ जाता है आपके पास रूल फॉक्सेस का रूल आ जाता है ठीक है अब फॉक्सेस के पास कनिंगनेस तो है रूल करने के लिए लेकिन वो अथॉरिटेटिव मेकिंग डिसीजन वो स्ट्रॉगनेस जो चाहिए जो पावर चाहिए जो लाइन के पास होता है वो फॉक्सेस के पास नहीं होता है तो फॉक्सिस क्या करते हैं अब वो कुछ लाइन को अपॉइंट करते हैं कि वो उनकी हेल्प करें सो विध टाइम जब फॉक्सिस को तो काफी टाइम हो जाता है पावर एग्जर्ट करते हुए तो एक टाइम आता है जब यह कंप्लेसेंट बन अब इनका अप्रोच थोड़ा वो लेजी लेट बैक अप्रोच का इनका बन गया ध्यान नहीं देते हैं अब इनने कुछ लाइन्स को अपॉइंट किया हुआ है अपनी हेल्प करने के लिए तो विद टाइम क्या हो जाएगा ये जो लाइन्स हैं दे विल ग्रो स्ट्रांगर और ये ओवरथ्रो करेंगे फॉक्सेस को ऐसे करके जो रूल है लाइन्स और फॉक्सिस के बीच में चलता रहेगा इसको सर्कुलेशन ऑफ एलियट्स इन्होंने कहा था और ये आपकी रूलिंग माइनॉरिटी है यही माइनॉरिटी में से ये अपॉइंट होते रहेंगे और किन पे रूल करते रहेंगे मासस पे अब आप देख लो बुक में क्या लिखा है सर ने

कम्युनिज्म एंड मार्क्सिज्म आइडियोलॉजिकल बेस तो उन्होंने यूटोपियन कॉन्सेप्ट ही कहा था कम्युनिज्म को जो एक परफेक्ट रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता होता है ठीक है एंड मार्क्सिज्म को एज आइडियोलॉजिकल बेस उन्होंने रिजेक्ट किया मार्क्स ने क्या कहा था ओवर थ्रो ओवर रेवल्यूशन की बात की थी उसके एंटाई इन्होंने अपनी थियरी प्रेजेंट की थी ठीक है और वो किस पर डिपेंड करती है पर्सनल क्वालिटीज पर्सनल क्वालिटी जैसे मैंने आपको कहा लाइन्स की कुछ होंगी और फॉक्सिस की कुछ होंगी परेटो जो है उन्होंने क्लासिक क्रिटिक ऑफ मार्क्स से बाय कंपेयरिंग हिज वर्ड्स टू ए फेबल अबाउट बैट्स यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है फिर क्लासिकल एलीट थ्योरी जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं गवर्निंग एलीट को इन टर्म्स ऑफ सुपीरियर पर्सनल क्वालिटीज ऑफ दोज पावर तो यहाँ पे भी यही बात आ गई पर्सनल वो जो गवर्निंग एलिट हैं जो आप रूल कर रहे हैं बेसिकली उनके पास कुछ ऐसी क्वालिटीज हैं ठीक है वो आप एक्सरसाइज कर पाते हैं पावर हम लेटर वर्जन ऑफ एलिट थ्योरी प्लेस एम्फेसिस ऑन द पर्सनल क्वालिटीज ऑफ द पावरफुल एंड मोर प्लेस लेस एम्फेसिस ऑन द पर्सनल क्वालिटीज ऑफ द पावरफुल एंड मोर ऑन द इंस्टीट्यूशन फ्रेमवर्क ऑफ द सोसाइटी आहिस्ता आहिस्ता क्या हो गया जो बाद की थियरीज आ गई उन्होंने क्या किया उन्होंने पर्सनल क्वालिटीज पर थोड़ा कम और इंस्टीट्यूनल फ्रेमवर्क पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दिया अब जो हमारा मेन यहाँ पे एक चीज है जो हमें पढ़नी है सर्कुलेशन ऑफ एलिट्स कॉन्सेप्ट वो हम यहाँ देखेंगे एलिट थियरी आ गयीज दल सोसाइटीज आर डिवाइडेड इन टू टू मेन ग्रुप्स विच आर रूलिंग माइनॉरिटी एंड द रूल्ड मेजारिटी रूल्ड मार्स ये सिचुएशन आएगी ही आएगी दिस इज इनएविटेबल इफ द पोलिटेरियन रेवर्स इट विल मेयरली रिजल्ट इन द रिप्लेमेंट ऑफिंग एलिट बाई द्डिंग रेवोल्यूशन आता भी है तो उसमें भी क्या हो जाएगा बस एक रूलिंग एलिट की जगह दूसरा रूलिंग एलिट आ जाएगा लेकिन जो प्रोसेस है पावर की सर्क्यूलेशन का वो सेम रहेगा इटालियन सोशोलॉजिस्ट परेटो ने अपनी माइंड एंड सोसाइटी जो उन्होंने लिखी थी उसमें उन्होंने कहा था पर्सनल क्वालिटी सेपरेट द रूलर एंड द रूल एंड दे आर सेम एट ऑल टाइम पर्यटन ने कहा था रूलिंग माइनॉरिटी होती, होती है जो हमने अभी डिस्कस किया देखो एक ही चीज यहाँ बार 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 रिपीट फिलर मटीरियल हुआ है ये चीज़ एक ही चीज बार बार रिपीट हो रही है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू हिम दिचुएशन जो है वो इनविटेबल है कम्युनिज्म में भी यही होता है पोलराइजेशन हो जाती है अकॉर्ड टू पराइप्स ऑफ गवर्निंग अलीट एक आपके फोक्सेज होते हैं और लाइन होते हैं ठीक है फॉक्सेज की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं क्वालिटीज होती हैं और लायंस की कुछ क्वालिटीज होती हैं और वो पावर के चक्कर में दे रिप्लेस इच अदर जिसको हम बोलते हैं सर्कुलेशन ऑफ एलिट्स ये है आपके जो रूलिंग माइनॉरिटी है ठीक है तो इनको गवर्निंग एलिट्स बोलते हैं उसमें आपके लायंस आते हैं एंड फॉक्सेस आते हैं तो ये है वो थियरी एलिट रूल और मासेज ऑफ पीपल बिकॉज दे आर डोमिनेटेड बाई नॉन रैशनल फोर्स एंड लैक रैशनल कैपेसिटीज अब ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें एक तो ने पर्सनल क्वालिटी की बात की और सेकंड मासज पे रूल इसलिए कर पाते हो क्योंकि जो मास होते हैं वो उनमें रैशनल लॉजिकल थिंकिंग नहीं होती है उन उनपे रूल करना जो है वो ईजी हो, हो जाता है ये रीजन है दैट मासेस आर अनलाइकली टू बी अ रेवल्यूशनरी फोर्स ठीक है ये भी मार्क्स के ऑपोजिट इन्होंने बात कही थी सोशल चेंज अकर्स वेन द एलीट बिगेन्स टू डी जेनरेट एंड इट इज रिप्लेसड बाय न्यू एलीट ठीक है जो ऑल एलीट्स है दे टेंड टू बिकम डिकेडेंट एक टाइम के बाद वो थोड़े लेट बैक हो जाते हैं दे डिके इन क्वालिटी एंड लूज देर विगर जो उनका वो पावर विगर होता है वो थोड़ा वो लूज करना शुरू हो जाता है अपनी शीन एज द बिकम कम्प्लेट इस सिचुएशन में द अदर एलिट्स पावर ईच टाइप ऑफ एलिट लैक्स द्वालिटीज ऑफ इट्स काउंटर पार्ट्स क्वालिटीज विच आर एसेंशियल टू रिटेन द पावर इन द लॉन्ग रन फॉर एग्जाम्पल एंड एलिट ग्रुप ऑफ लायन्स लैक द इमेजिनेशन कनिंगनेस नेसेसरी टू मेन्टे द रूल एंड्रेट फॉक्सिस फ्राम अमंग द मॉस हुर ओवर द टाइम एंड अल्टीमेटली रिप्लेस द लाइन एज रूलर यही बात मैंने आपको बोली कि लायंस के पास जो क्वालिटीज नहीं है वो कहाँ से सीख करते हैं फॉक्सिस से और विद टाइम में डिके होते गए होते गए और फॉक्सिस क्या हो गए स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग अल्टीमेटली ओवरथ्रो करेंगे लायंस को और एडिट को बन जाएंगे फॉक्स फिर ये सर्कुलेशन जो है रिपीट हो जाएगी वो लायंस को अपॉइंट करेंगे अल्टीमेटली लॉइंस इनको ओवरथ्रो करेंगे फिर ये सर्कुलेशन जो है ये प्रोसेस ऐसे ही चलता जाएगा अब मॉस्का ने लिखा था ये हमने परेटों का पढ़ा इन हिज माइंड एंड सोसाइटी मॉस्का ने लिखा था इन हिज रूलिंग क्लास कहा था कि माइनॉरिटी रूल जो है वो इन है माइनॉरिटी रूल होगा ही लेकिन उन्होंने ये चीज़ को रिजेक्ट किया था कि वो क्वालिटीज़ ऑफ एलिड जो है दे रिमेन सेम एट ऑल द टाइम एंड इन ऑल द सोसाइटीज क्योंकि इन्होंने क्या कहा था परेटों ने इन्होंने एक जनरल व्यू प्रेजेंट किया था ना कि उनकी ये क्वालिटीज़ है उनकी ये क्वालिटीज़ है और हमेशा सर्कुलेशन हो जाएगी दैट मीनस उनका बिलीव था कि क्वालिटीज जो है सेम रहेगी लेकिन मॉस्कर ने कहा था ये जो क्वालिटीज़ है वेरी करेंगी फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम ही हाव एवर ऑल्सो बिलीव दट डेमोक्रेसी इज ऑल्सोर फॉर्म ऑफ एलिट रूल ठीक है उन्हें ये भी कहा था कि डेमोक्रेसी बेसिकली क्या है अकॉर्ग टू बोथ मॉस्क डिस मॉसिस हैं वो ग्रुप ऑफ पैसिव एपेटिक एंड अनकर्न पीपल है इस बात दोनों ने अग्री किया था कि मास्टर जो है उनको कोई खास फर्क नहीं पड़ता नॉन रैशनल है एपेथेटिक है ठीक है और अनकंसर्न पीपल है इसीलिए उन उनपे रूल करना जो है वो ईजी हो जाता है और एक थियोरी है आपकी एलिट थ्योरी गिवन बाई सी डब्ल्यू मिल्स इन हिज पावर एलीट वो बिलीव नहीं करते थे कि एलिट रूल जो है इन एवेटेबल है बेसिकली उन्होंने सिर्फ यूएस की स्टडी की थी और उन्होंने एक स्पेसिफिक सोसाइ स्टडी हमें दी थी उन्होंने कहा था जो पावर है बेसिकली वो कहाँ होता है वो इंडिविजुअल्स में नहीं है वो इंस्टीट्यूशंस में है जो उस इंस्टीट्यूशन में पोजीशन होल्ड करते हैं उनके पास पावर है उसके उन्होंने तीन इंस्टीट्यूशन दिए थे मिलिट्री फेडरल एंड मेजर कॉर्पोरेशंस ये आपका आ गया पॉलिटी uh, आ गया ठीक है ये आपका आ गया इकोनमी आ गया ये आपका पॉलिटिकल आ गया एंड ये आपका मिलिट्री तो मिलिट्री ही है मिलिट्री ठीक है ये बेसिकली आपके इंस्टीट्यूशन के पावर है और जो ये होल्ड करता है जो लोग यहाँ पे क्रीम पोजिशन होल्ड करते हैं उनके पास पावर है तो पावर आ जाता है तो उनको इन्हें कहा था सी डब्ल्यू मिल्स ने पावर एलिट ठीक है दस पावर एलिट जो है कोइंसिडेंस ऑफ इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंड मिलिट्री पावर कोइंसिडेंस ऑफ द पावर एलिट इज फर्दर स्ट्रेंथन बाय दियर सिमिलर सोशल बैकग्राउंड इनका जो बैकग्राउंड होता है वो सिमिलर होता है मेंबर्स इंटरचेंज अमंग फॉर एग्जाम्पल बिग कारपोरेशन के जो बोर्ड रूम मीटिंग्स वगैरा होते हैं वहां पे बाकी uh, जो ये इंस्टीट्यूशन है इनके एलिट्स भी प्रेजेंट होते हैं ठीक है तो मिल्सो सपोर्टेड बाई फ्लॉयर इन कम्युनिटी पावर स्ट्रक्चर एंड ही स्मॉल डिसीजन मेकिंग ग्रुप विच इज डॉमिनेटेड बाय द बिजनेस क्लास ठीक है तो ये हो गया पावर एलिट का कॉन्सेप्ट या आपका पावर स्ट्रक्चर कैसे डिवाइडेड है सोसाइटी में ठीक है आपका पहला जो थ्योरी हमें पढ़नी थी यहाँ पे क्लासिकल इलीट थ्योरी इसके आपको तीन नाम यहाँ पे देखने को मिलेंगे परेटो मॉस्का एंड सी डब्ल्यू मिल्स तो ये इनकी बुक है इनकी बुक है इनकी बुक है इन्होंने कहा था एलिट रूल हिस्टोरिकल है इट इज हिस्टोरिकल ये एक रिसेंट फिनना है इन्होंने सिर्फ यूएस को स्टडी करा था ये है ड्यू तो टू डायलेक्टिकल प्रोसेस बिटवीन कॉन्ट्रास्टिंग पर्सनल क्वालिटीज विच रिमेन सेम जो पर्सनल क्वालिटीज हैं वैरी करती है सेम नहीं रहती हैं इट इज अ फिनोमिना इन एग्जिस्टेंस ड्यू टू पावरफुल इंस्टीट्यूशन सेम ही इनका कॉन्सेप्ट है मॉडर्न सोसाइटीज में पावर जो है मोर डिप डिस्पर्स है ड्यू टू वेरिंग स्पेशलाइजेशन दे आर आल्सो ऑल्ट्रिस्टिक मोटिव जैसे गांधी या मार्टिन लुदर किंग वगैरह इनके पास ऑल्ट्रिस्टिक मोटिव से पावर के लिए कि दे वॉन्टेड टू डू समथिंग फॉर द कलेक्टिव गुड जो बेस ऑफ पावर है दे ऑल्सो डोंट रिमेन स्टैटिक ठीक है जो पावर किस वजह से आप होल्ड कर रहे हैं वो चीज़ें भी चेंज होती रहती हैं तो अब देख लेते हैं, ने इन गवर्न लिखा था पावर एंड आर्ग्यूमेंट्स ऑफ मिल्स को स्टडी करा था मिल्सो क्रिटिसाइज फॉर व्यू राइज ऑफ हैज फर्दर डिफ्यूज पावर इन सोसाइटी अब पावर सिर्फ एक रूलिंग माइनॉरिटी या ऐसे कोई लीडर होगा अगर आपको इंडिया, इंडिया के कॉन्टेक्स में एग्जाम्पल दू सिर्फ पॉलिटिकल लीडर्स के पास पावर होगा ऐसा नहीं है इंस्टीट्यूशन हैं ठीक है जैसे आपके प्रेशर ग्रुप्स इतने सारे बनते हैं इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं आपके इवन एन के पास भी अपना पावर होता है सिविल सोसाइटी के पास अपना पावर है तो पावर जो है डिस्पर्स इन सोसाइटी और कोई एक ही सिर्फ होल्ड नहीं करता है क्लासिकल एलिय थियरीज सिंपलिस्टिक इन कंसेप्शन और इग्नोर करता है डिफरेंस बिटवीन वेरियस टाइप्स ऑफ रूलिंग सिस्टम जैसे डेमोक्रेसी फ्यूडल सोसाइटी वो इनने एक्सप्लेन नहीं किया है पर इट विन मॉस्को ऑल्सो फेल टू प्रोवाइड अ मेथड ऑफ मेजरिंग एंड डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन ियर क्वालिटी ऑफ एलिट्स क्योंकि इन्होंने कहा था कुछ सुपीरियर क्वालिटी होती है लेकिन वो क्या है उसके बीच में इन्होंने डिस्टिंग वगैरह नहीं किया था एलिट सर्कुलेशन में नॉट ऑलवेज बी देयर जैसे इंडियन सोसाइटी में ब्राह्मण सरवाइव फॉर लॉन्ग एज एलीट ड्यू टू क्लोज नेचर ऑफ द कास्ट सिस्टम ठीक है ऐसा नहीं होता है एलीट्स जो होते हैं सर्कुलेशन की वजह से सर्वाइव कर रहे हैं आ, हो सकता है जरूरी नहीं है एलिट्सर्कुलेशन हर जगह प्रेजेंट हो अगर इंडियन कास्ट सिस्टम के हम कॉन्टेक्स में देखें तो ब्राह्मण टॉप पे थे और इनके पास काफी ज्यादा जो है वो पावर भी था तो आप उनको एलिट क्लास में बोल सकते हो लेकिन ये किसी सर्कुलेशन की वजह से नहीं थे कास्ट एज ए होल क्लोज नेचर है क्लोज नेचर मींस मोबिलिटी जो है वो काफी ज्यादा इसमें फ्यू लेस या नॉन एग्जिस्टेंट है एक शूद्रा के लिए एक अवेश्वा क्षेत्रीय ब्राह्मण बनना इतना आसान नहीं है इनफैक्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ठीक है कुछ इंसिडेंट हैं जहां ऐसा हुआ है लेकिन ऐसे जनरली बोला जाता है इट इज नॉट पॉसिबल ठीक है तो वो ब्राह्मण किस वजह से अलीट रह पाए थे क्योंकि कास्ट जो सिस्टम है वो काफी रिजिड है और क्लोज है किसी सर्कुलेशन की वजह से नहीं ऑल ट्रिस्टिक भी होते हैं पब्लिक ओपिनियन ऑल्सो मैटर्स ऑन दीज डेज एंड इवन हैव टू लिसन टू इट जो आपकी मीडिया से और ज्यादा री इनफोर्स हो गया है एंड रेसलर ने कहा था पावर डज नॉट लाई विद दोज हु मेक द बट इट इज विजिबल थ्रू इट्स ठीक है पावर जो है सिर्फ डेसीजन जो लेता है उनके पास नहीं होता है वो आपको कॉन्सिक्वेंसिस में दिखता है कि जो डिसीजन लिया है बाद में उसका क्या कॉन्सिक्वेंस हुआ है सोसाइटी पे वो भी डिटर्मिन करता है आपका पावर तो ये है आपका क्लासिकल एलियट थियोरी अब हम देखते हैं प्लूरलिस्ट थीसिस ऑफ पावर और कम्युनिटी पावर थीसिस ठीक है दिस थियोरी रोज अगेंस्ट द एलीड थ्योरीज़ इन अ वे ट्राई टू डिफेंड द मॉडर्न इंस्टीट्यूशन लाइक डेमोक्रेसी इन्होंने बेसिकली कहता था पावर जो है वो प्लूरल है दैट मींस वो एक से ज़्यादा ग्रुप के पास है वो डिस्पर्स है सोसाइटी में जैसे आप डेमोक्रेसी में लो तो डेमोक्रेसी में काफ़ी सारे ग्रुप्स होते हैं आपके प्रेशर ग्रुप्स वगैरह बने होते हैं जैसे मैंने अभी कहा सिविल सोसाइटीज़ हैं एन जी ओज हैं इन सब के पास अपने अपने टाइप का पावर जो है वो प्रेजेंट होता है पावर जो है सेंट्रिक नहीं है ठीक है बट एट द सेम टाइम दिस थियोरी ऑल्सो रिकग्नाइज द प्लेस ऑफ एट इन अ डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क इंस्टेड ऑफ टोटली रिजेक्टिंग दम एलीट के कॉन्सेप्ट को ये बोलते हैं कि हाँ एट्स हैं डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क में भी है उसको रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं सो वाइलीट थियरीज आर एलिज्म इन कम्पेटेबल विद डेमोक्रेसी प्लुरलि थी दट दोथ आर कम्पेटेबल इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज और ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी प्रेशर ग्रुप प्रैक्टिकल एग्जाम्पलफिकेशन ऑफ द पुलरलिस्टिक थियरी जहाँ पे पावर क्या है एक से ज्यादा डिपार्टमेंट्स एक से ज्यादा ऑर्गनाइजेशन के पास है जो प्लूरलिस्ट है चैलेंज किया था जो मेन लेटेस्ट कंटेंशन था कि सोसाइटी इज मार्क्ड बाय अ प्रेजेंस ऑफ एक सिंगल सेंटर ऑफ पॉलिटिकल पावर ठीक है उनकी एग्जांपल एक इसकी देंगे मॉडर्न डेमोक्रेसीज की कि जहाँ पे पावर जो है वो मल्टीपल सेंटर्स ऑफ पॉलिटिकल पावर है और एक सिंगल सेंटर नहीं है तो प्लूरलिस्ट का क्या मानना था सिंगल सेंटर पावर नहीं सिंगल सेंटर के पास पावर एग्जिस्ट नहीं करता है पावर जो है ये मल्टीपल सेंटर्स ऑफ पॉलिटिकल पावर है जैसे फॉर एक्जाम्पल मॉडर्न डेमोक्रेसीज में हमारे पास काफी इंस्टीट्यूशन है जिनके पास पावर होती है आपके ट्रेड यूनियंस हैं ठीक है ऐसे हर जगह आपके अपने अपने यूनियन बनते हैं हर डिपार्टमेंट में आपकी छोटी छोटी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनती है जिनके पास अथॉरिटी भी होती है वो अपने मेंबर्स के हक में डिसीजन इन्फ्लुएंस भी करवा सकते हैं तो उन सब के पास ही पावर एग्जिस्ट करता है एग्जांपल ट्रेड यूनियन प्रेशर ग्रुप प्रोफेशनल एसोसिएशन ऑल्सो कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन एबसेंस ऑफ ए सिंगल डोमिनेंट ग्रुप लीड्स टू बारगेनिंग एंड कॉम्प्रोमाइजिंग अगर सिंगल डोमिनेंट ग्रुप एग्जिस्ट करेगा तो बारगेनिंग और कॉम्प्रोमाइज करना जो है वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक ही के पास सारा पावर है अब पावर जो है वो डिवाइड है ट्रेड यूनियन है अब गवर्नमेंट को ट्रेड यूनियन की बात भी सुननी है ठीक गवर्नमेंट को प्रोफेशनल एसोसिएशन जो बनी होती है उनकी बात सुननी है ठीक है जैसे प्रेशर uh, ग्रुप्स होते हैं आपके उनकी बात भी सुननी होती है तो आप बोल सकते हो नए ऐसा बोला जाता है कि आज के जमाने में जो गवर्नमेंट है बिकम्स ए बिजनेस ऑफ कॉम्प्रोमाइज क्योंकि बिजनेस को बार्गेन और कॉम्प्रोमाइज गवर्नमेंट को बार्गेन और कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है क्योंकि पावर जो है वो डिस्पर्स है सोसाइटी में आपको हर किसी के पावर की रिस्पेक्ट करनी है रॉबर्ट दहल वॉज वन ऑफ द प्रोपोनेंट्स ऑफ द पायनिज ऑफ दिस पर्सपेक्टिव की जो एलिड थीरी है कंफ्यूज करता है पोटेंशियल कंट्रोल को विद एक्चुअल कंट्रोल अपनी स्टडी में उन्होंने कहा था जो लोकल पॉलिटिक्स है ये एक बिजनेस ऑफ एंड कॉम्प्रोमाइज है विद नो सिंगल ग्रुप डोमिनेटिंग द डिसीजन मेकिंग क्लियर ही यूज दिस डिसीजन मेकिंग मॉडल इन पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड शोड की जो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं दे आर नॉट द सोल फैक्टर्स इन डिसीजन मेकिंग ठीक है तो डिसीजन मेकिंग में इकोनॉमिक को सोल फैक्टर किसने कहा होगा मार्क्स इन परस्पेक्टिव ने ठीक है तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होता है जो गवर्नमेंट है ये एक लो uh, एक्चुअली जो आपका आज का सेटअप है पॉलिटिक्स का लोकल पॉलिटिक्स जो है ये बिजनेस ऑफ बारगेनिंग एंड कॉम्प्रोमाइज़ है वो क्या होता है वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया आर्नल्ड एम रोज ने इको सिमिलर व्यू एज दल एंड गिव्स अ मल्टीपल इन्फ्लुएंस हाइपोथेसिस कि आप मल्टीपल जो चीज़ें हैं वो एग्जिस्ट करती हैं मल्टीपल इंस्टीट्यूशन जो है एग्जिस्ट करते हैं और वो अपनी तरीके से खुद इन्फ्लुएंस करना uh, जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ सोसाइटी को कल मैन एम आर्ग्यूज दट थ्रू अ पॉलिसी मे बी दो अ पॉलिसी मे बी सीमिंगली फॉन्न बाय द प्रपोटेड अलीट बट इन अ डेमोक्रेसी वेरियस पुल्स एंड प्रेशर्स जो होते हैं दैट एक्चुअली शेप अ पॉलिसी पीपल मेक देर एस्पिशन एक्सप्रेस एट रेगुलर इंटरवल्स इनक्लूडिंग एट इलेक्शन विच कीप द अलीट्स एट चेक ठीक है तो ये भी क्लीयर सिंपल सी बात है कि ऑल दो ऐसा लगता है कि जो अलीट है सिर्फ वही उनके पास पावर है और वही डिसीजन लेते हैं लेकिन एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है हर फाइव ईयर्स के बाद इलेक्शन होता है तो उसमें क्या होता है काइंड kind ऑफ of जो आपके लीडर्स का काम है वो इवेल्युएट हो जाता है तो उनको डर भी होता है कि अगला इलेक्शन आएगा हम वहां जाके क्या बोलेंगे कि हमने ये जो प्रॉमिस किए थे सड़कें बनाएंगे हम ये करेंगे हम वो करेंगे ये सस्ता करेंगे वो सस्ता करेंगे वो चीजें हुई हैं कि नहीं तो काफी पोल्स एंड प्रेशर एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि वो अकाउंटेबल होते हैं उनको लोगों के पास आके जवाब देना होता है ठीक है मल्टी पार्टी पोलिटिकल डेमोक्रेसीज लाइक इंडिया आर ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ सिमिलर कंटेंशन इंडिया की बेस्ट एग्जाम्पल है प्लुरलिस्ट थियरी को समझने के लिए प्लुरलिस्ट आर हावअर अव्यूज ऑफ इग्नोरिंग नॉन डिसीजन एंड सेफ डिसीजन मेकिंग नॉन डिसीजन एंड सेफ डिसीजन मेकिंग भी होती है ना जिसमें एम्बिगुटी हो सेफ डिसीजन मेकिंग हो जिसमें आप सबसे पहले अपना आप सेफ रखते हो उसके बाद ऐसा डिसीजन होता है कि आप पे कोई क्वेश्चन पुट ना करे या कोई डिसीजन ही ना लो ठीक है वैसी भी चीजें होती हैं सोसाइटी में जिनको फ्लोरलिस्ट ने टच नहीं किया था एलिड जो है कंसीडो ऑनली दोज डिमांड जो उनकी पोजिशन को थ्रेटन नहीं करते हैं और वो रिटेन करते हैं पावर इन दो डेसीजन विच थ्रेटन देयर इंटरेस्ट ठीक है तो यही आपका डिसीजन है नॉन सेफ डिसीजन है नॉन डिसीजन मेकिंग हुआ कि जो उनको सेफ गार्ड करे उनकी पोजिशन को थ्रेटन ना करें या वो डिसीजन ले ही ना जहाँ पे उनका जो पावर है वो रिटेन करते हैं अपना पावर इन दो इंटरेस्ट को थ्रेड करने की कैपेबिलिटी रखता है दे ऑल्सो इग्नोर द रिजल्ट एंड कॉन्सिक्वेंसिस एज अकॉर्डिंग टू वेस्टर गार्ड एंड रेस्लर पावर इज मैनिफेस्टेड इन इट्स कॉन्सिक्वेंसिस पावर इज मैनिफेस्टेड इन इट्स कॉन्सिक्वेंस ये किसने कहा था वेस्टर गार्डन रेस्लर ने बात कही थी ठीक है तो उन्होंने ये भी कहा था कि वो इग्नोर करते हैं उन्होंने रिजल्ट और कॉन्सिक्वें को लेके कुछ भी नहीं कहा रॉबर्ट मिशल हाईलाइट के जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल हैं अल्टीमेटली देयर पावर एंड एक्ट इन ओन वेस्टेड इंटरेस्ट इग्नोरिंग द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक एट लार्ज जैसा कि हमें डेमोक्रेसी में देखने को मिलता है जो हमारे इंटरेस्ट ग्रुप्स बने भी होते हैं जो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनको अल्टीमेटली उनका मेन कंसर्न होता है सारा जो पावर होता है खुद खा जाना और इग्नोर करना इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक एट लार्ज ठीक है तो ये हो गया आपका पावर एलिट की थियोरीज अब है नेक्स्ट ब्यूरोक्रेसी ब्यूरोक्रेसी भी थोड़ा ही है ये हम आज ही थोड़ा है कि ज्यादा है ब्यूरोक्रेसी बेसिकली हमने पहले पढ़ा है मैं आई क्विकली गो थ्रू इट ब्यूरोक्रेसी हमने वेबर में अच्छे से पढ़ा है रैशनल लीगल इंस्टीट्यूशन है जिनके पास रैशनल लीगल अथॉरिटी होती है वो लोग आपके ब्यूरोक्रेट्स होते हैं तो वेबर ने यहाँ पे डेफिनेशन भी दी हुई है वो आप देख लोगे तो ब्यूरोक्रेसी का इन्हें कुछ आइडियल टाइप जो है वेबर ने वो बनाया था उन्होंने ही डिस्क्राइब ब्यूरोक्रेसी इन टर्म्स ऑफ इस फेमस ह्यूरिस्टिक डिवाइस ऑफ आइडियल टाइप ह्यूरिस्टिक मींस आप मीनिंग से समझो किस चीज को ठीक है वो ह्यूरिस्टिक होता है ऑफ आइडियल टाइप उन्होंने बेसिकली आइडियल टाइप दिया था हमें ब्यूरोक्रेसी का जिसमें कुछ पॉइंट्स हैं वो हम देख लेते हैं ये ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें लीगल रैशनल अथॉरिटी है डिविजन ऑफ कॉम्प्लेक्स टास्क इंटू मैनेजेबल पार्ट्स ये होता है ब्यूरोक्रेसी में Organization of officers, जो डन ऑन द विद क्लियरली डिफाइंड ठीक है जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो परमानेंटली एम्प्लॉयड होते हैं और उनको कैश में पे किया जाता है नॉट इन काइंड पुराने जमाने में क्या होता है ग्रेन्स वगैरह देते थे आप किसी को सब्जी दाल रोटी ये सारी चीजें दे दो तो वो होता है इन काइंड ग्रेन्स वगैरह में पे करना फूड ग्रेन्स में लेकिन इसको इन सैलरी मिलती है पैसों में ठीक है ऑफिशियल जो है उनको सेपरेट करते हैं पर्सनल लाइफ और वर्क को ऑफिशियल्स आर सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट कोई एस्क्रिप्शन नहीं होती है इसमें एस्क्रिप्शन रिक्रूटमेंट रेकुर, नहीं होती है एंड ऑफिशियल जो है फॉलो करते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस वेबर ने कहा था ब्यूरोक्रेसी विल ऑलवेज बी मोस्ट वाइडली अडॉप्टेड फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अपनी एफिशिएंसी इंपार्शियलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी की वजह से लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नेगेटिव भी कहा था जो हमने पढ़ा है आप करने की कोशिश करो आयरन केज ऑफ रैशनैलिटी के कॉन्सेप्ट में कि आपको देअ मेली रिड्यूस्ड टू तो अ कॉग इन द मशीन कि इतने ज्यादा आपको फॉलो करने पड़ते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस आप एक आयन केज में फंस जाते हो

ठीक है एज जो ब्यूरोक्रेट्स ऑल पावर और उनके पास अल्टीमेटली क्या रह जाता है जो पावर होता है वो कुछ ही लोगों के पास रहता है इसलिए इसको लॉफ और आयन लॉ ऑफ की बोलते हैं उन्हें मार्क्सिस को चैलेंज किया था एंड ही चैलेंजेस मार्क्सिस होप्स फॉर ए ट्रूली डेमोक्रेटिक सिस्टम एज इवन इन द यूटोपियन डेमोक्रेसी देयर विल बी अ रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम एंड हेंस ऑर्गेनाइजेशन विल बी रिक्वायर्ड एंड दोज ऑर्गेनाइजेशन विल बी मैन बाई ब्यूरोक्रेट्स विल अल्टीमेटली रिजर्व द पावर ठीक है मार्क्स ने क्या कहा था जब फाइनली एडवांस कम्युनिज्म आएगा तो एक परफेक्ट सोसाइटी आ जाएगी अगर हम इसको इस लैंग्वेज में बोले जहां सबके पास पावर होगा तो ट्रूली एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी आ जाएगी लेकिन इनका मानना था रॉबर्ट मिशल्स का अगर एक आइडियल डेमोक्रेसी भी आएगी वहां पे भी आपको रिप्रेजेंटेटिव्स की जरूरत तो होगी ना काम करने के लिए तो जैसे ही कुछ रिप्रेजेंटेटिव बनेंगे उनके पास अथॉरिटी आएगी तो वो आपका जो पावर है वो हड़प जाएंगे आपका पावर ठीक है जैसे आप हमने किब्यूट्स की एग्जाम्पल पढ़ी थी रैंक्स एंड फाइल्स के कॉन्सेप्ट में रैंक्स एंड फाइल्स के पास थोड़ा सा पावर क्या आ जाता है तो उनके पास पावर पे सोसाइटी जो है वो इन इक्वल हो जाती है पीटर ब्लव ने सेज दैट ब्यूरोक्रेसी इन वर्किंग जो है डिफरेंट है फ्रॉम ब्यूरोक्रेसी इन कॉन्सेप्ट क्योंकि ब्यूरोक्रेसी में भी एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है एंड ये होनी भी चाहिए क्योंकि इससे जो काम है वो आसान हो जाता है थोड़ा इनफॉर्मल सेटअप भी अगर होगा वर्क कल्चर थोड़ा इनफॉर्मली भी अः uh, होगा इसमें आपके ऑर्गेनाइजेशंस में तो आप अच्छे से थोड़ा फ्री रह के काम कर पाओगे ये इनका बेसिकली बोलना था

वो याद भी है मैं पढ़ा रही हूँ कि नहीं जब मर्टन ने अपना वो कॉन्सेप्ट दिया था थ्योरी ऑफ इनोमी का या स्ट्रेन थ्योरी ऑफ भी आप उसको बोलते हो तो उन्होंने उसमें एक चीज बोली थी जो मींस पे ज्यादा फोकस करते हैं वो इतना मीन से फोकस करते हैं कि गोल्ड डिस्प्लेस हो जाता है तो उस वाले को उन्होंने क्या नाम दिया था वो कौन लोग थे ठीक है तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ एलविन गोल्डन इन हज पैटर्न ऑफ इंडस्ट्रियल ब्यूरोक्रेसीडी जबसम प्लांट इन एस ए कंटेंट एट ब्यूरो एक्सिस्ट वेरिंग डिग्रीज इन डिफरेंट ऑर्गनाइेशन समस्टिट्यूशन आर मोर ब्यूरोस यही इनफॉर्मल ब्यूरोक्रेसी का कॉन्सेप्ट है जो दो स्टडीज हुई थी पीटो और एलविन गोल्डन की वो यहाँ पे लिखी हुई है तो डिस्पाइट क्रिटिसिजम ऑफ ब्यूरोक्रेसी देर आर अदर्स जो जिसको डिफेंड करते हैं पॉल डू गे इन प्रेस ऑफ ब्यूरोक्रेसी आगे उसकी जो ब्यूरोक्रेसीज है

कि इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गनाइज इंस्टीट्यूशन रिलाई ऑन ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स मैनेज करने के लिए इन्फॉर्मेशन को एडमिनिस्टर करने के लिए कॉम्पलेक्स सिस्टम को आप कितना भी इसको गालियां भी दो ब्यूरोक्रेसी को लेकिन काम तो करती है मैं इतना मैनेज करना इतने बड़े स्केल पे बड़ी बड़ी कंट्रीज को बड़ी नेशंस को ऐसे मैनेज करना इतने कॉम्प्लेक्स टास्क को ओवरलुक करना ये कोई ईजी चीज भी नहीं है तो ब्यूरोक्रेसी जो है आप उसको पॉजिटिव वे में लो तो काफी उसमें आपको पॉजिटिव आस्पेक्ट्स भी देखने को मिलेंगे बट देन अगेन आपको क्रिटिसिज्म के लिए कुछ पॉइंट्स इसमें से याद रखने आपको नोट डाउन करके रखने हैं फाइन तो दिस कंप्लीट्स योर लेक्चर नंबर पार्ट वन ऑफ योर सेवंथ चैप्टर इसके बाद हम डिस्कस करेंगे हमारा पार्ट सेकंड जिसमें और कुछ आई गेस तीन पार्ट्स में चैप्टर कंप्लीट कराऊंगी मैं सो टिल द टाइम मैं अपलोड नेक्स्ट वीडियो बाय बाय टेक केयर हैव अ ग्रेट डे